हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए, हम ये लहंगा बना के लाए हैं और ये 3D लहंगा मैंने बनाया है। बहुत प्यारा लग रहा है जैसे आप देख रहे हो, और बहुत सुंदर बन के तैयार हुआ है। कैमरे में इतना सुंदर नहीं लग रहा है, लेकिन वैसे बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जिससे न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलिए शुरुआत करते हैं। राधा रानी के लिए हम लहंगा बना रहे हैं, तो ऐसे इजी वे में मैं बता रही हूँ। ऐसे करके हमें इसे नॉट लगाना है, नॉट में हमें ऐसे हुक को डालना है और इसमें चेन बनानी है। तो चेन बनाने के लिए देखिए, हमें ऐसे करके चेन बनाना है, 1 2। तो पहले चेन बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये हमने 18 चेन बना ली है, अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अब हमें ऐसे करके चेन लेना है, और चेन लेने के बाद हम इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डबल क्रोशिया 1 1 टाइम हर चेन में जाके बना लेंगे। ये डबल क्रोशिया बनाया, फिर डबल क्रोशिया बनाया, ऐसे 2 डबल क्रोशिया बनाया। तो हर चेन में जाके पहले 1 1 टाइम हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ऐसे करके हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम वर्क को टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद अब देखिए, हमें 3 चेन लेना है, और 3 चेन लेके हम ये इसमें ऐसे करके देखिए, ऐसे हमें ये बैक है, तो बैक से हमें लूप यू लेंगे, और पहले यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये डबल क्रोशिया बना ली, चेन के बगल में डबल क्रोशिया बनाइए, फिर बैक से ऐसे हुक को डालना है, और बैक लूप लेके यहाँ पे हमें बैक क्रोशिया बनानी है। तो ये हमने बैक पोस्ट बना लिया, और फिर हमें जस्ट उसके बगल में डबल क्रोशिया, डबल बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो डबल बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर बैक से ऐसे हुक को डालना है, और यूं करके हमें बैक से लूप लेना है, और लूप लेकर के हमें ये डबल क्रोश बैक पोस्ट हम कंप्लीट करेंगे। तो एक बार बैक पोस्ट बनाना है, और एक बार हमें एक चेन में डबल बार डबल क्रोशिया बनानी है, 1 टाइम एंड इसी में 2 टाइम। तो देखिए, ऐसे करके हम वर्क कंप्लीट कर लेंगे। एक बार हमने डबल क्रोशिया चेन बनाया है, फिर डबल क्रोशिया बनाई है, फिर हमने बैक पोस्ट बनाया है, फिर डबल क्रोशिया डबल बार बनाई है, फिर बैक पोस्ट बनाया है। तो ऐसे करके हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ऐसे करके हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है, एक बार डबल क्रोशिया और एक बार हमने बैक पोस्ट करके कंप्लीट किया। अब हम फ्रंट में आ गए, 3 चेन लेंगे, और 3 चेन लेने के देखिए, ऐसे करके हम जो हमने सेकंड वाली डबल क्रोशिया बनाई है उसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी 1 हम इंक्रीज कर देंगे, और फ्रंट पोस्ट पे हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। फ्रंट पोस्ट बना लिया है, अब फिर हम देखिए 1 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, फिर जस्ट इसके बगल में जहां आएंगे यहां पे हम डबल बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट हमें ऐसे देखिए हुक को ऐसे लेना है, ऐसे डालना है, और यहां पे हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो एक बार हमें ये फ्रंट पोस्ट बनाना है, और जो हमने डबल क्रोशिया 2 टाइम बनाई थी वहां पे हमें डबल क्रोशिया, फिर सेकंड वाले में डबल क्रोशिया हम 2 टाइम बनाएंगे, तो लास्ट वाले में हमें 2 टाइम बनाना है, और फिर हम फ्रंट पोस्ट ऐसे लेंगे और ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे करके कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हमने 3 चेन ली, 3 चेन लेने के बाद हमने डबल क्रोशिया बनाई है, तो 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, और ये बैक पोस्ट में हमें बनाना है। तो पहले हम जो 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है उसमें एक और इंक्रीज कर लिया, अब हम बैक पोस्ट में बैक पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट में ये फ्रंट पोस्ट रहेगा और बैक में बैक पोस्ट बनाएंगे। तो ऐसे करके हमें कंप्लीट करना है। फिर हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं, तो 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद हम बैक पोस्ट हमें बनाना है, तो पहले 3 डबल क्रोशिया में एक और ऐड किया मैंने, इंक्रीज़ किया, और फिर हमने बैक पोस्ट बनाया। तो ऐसे करके हम राउंड कंप्लीट कर लेंगे।
तो देखिए, हम डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट से हमने ये 5 रो कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमें डिज़ाइन बनानी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाइट ऐड करेंगे, व्हाइट हमें यहाँ से ऐड करना है और यहाँ पे अब हमें ये व्हाइट ऐसे ऐड कर देंगे। 3 चेन लेनी है, 1, 2 एंड 3। 3 चेन लेने के बाद हमें 1 चेन एक्स्ट्रा लेना है और हम डबल क्रोशिया के चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया में बनानी है। तो 1 चेन बनाना है और फिर डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 1 चेन बनाना है और फिर डबल क्रोशिया बनानी है। तो ऐसे करके हमें कंप्लीट करना है। हम 1 चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे करके पहले हम ये पूरा रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। 1 चेन हमें ऊपर बनाना है एक्स्ट्रा और एक डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए, ऐसे करके हमने कंप्लीट कर लिया है। येलो ऐड हम थ्रेड लेंगे और इसको ऐड करेंगे यहीं पे जहाँ से हमने एंड किया है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे करके ऐड कर लेंगे और ये ऐसे खींच देंगे। खींचने के बाद हमें ये यहाँ पे आना है, स्लिप नॉट से इसमें आएंगे चेन में, और चेन में हमें आने के बाद 1 चेन लेके यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है। 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। 3 टाइम बनाने के बाद हम इसी में ले जाके इसको ज्वाइन करेंगे, फिर चेस्ट बगल में आएंगे और यहाँ भी हम ऐसे ज्वाइन करेंगे। एक बार हम यहाँ पे स्लिप नॉट से ज्वाइन करेंगे, फिर एक बार दूसरी चेन में आके ज्वाइन करेंगे और फिर इसी में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। 3 टाइम बनाने के बाद यहाँ पे ले जाके इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, फिर चेस्ट बगल वाले डबल क्रोशिया में आएंगे। चेन में हमें इसको पहले ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हम 1 चेन लेके यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो हम डबल क्रोशिया 3 टाइम बना लेंगे, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। 3 टाइम बनाने के बाद अब इसी में हमें पहले ज्वाइन करना है, स्लिप नॉट से ज्वाइन किया, जस्ट बगल में आए, फिर यहाँ ज्वाइन किया, फिर 1 चेन लेके हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है। 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। 3 टाइम बना लिया, 4 टाइम मेरे ये बन गए। अब हमें यहीं पे स्लिप नॉट से ज्वाइन करना है। ऐसे ज्वाइन कर लिया, जस्ट बगल में भी आके ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे डबल 1 चेन लेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 टाइम डबल क्रोशिया, 2 टाइम डबल क्रोशिया एंड 3 टाइम डबल क्रोशिया। फिर यहीं पे स्लिप नॉट से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये मेरे 4-5 टाइम डबल क्रोशिया बन गए। अब हमें फर्स्ट वाले चेन में ऐसे नीचे डालना है और यहाँ से इसको पिक करना है। ऐसे करके ये ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पे अब हम नॉट लगा के और फिर से इसमें 1 चेन लेके हमें डबल क्रोशिया बनानी है। 3 टाइम, 1 टाइम डबल क्रोशिया, 2 टाइम डबल क्रोशिया एंड 3 टाइम डबल क्रोशिया। 3 टाइम बनाने के बाद स्लिप नॉट से ज्वाइन करेंगे, फिर जस्ट बगल वाले में ज्वाइन करना है, फिर 1 चेन लेना है, यहाँ डबल क्रोशिया बनानी है। 1 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। 3 टाइम बना ली। अब यहाँ पे हमें इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर लिया, अब फिर से हमें यहाँ पे आके पहले ज्वाइन करना है, डबल क्रोशिया बनानी है। 1 टाइम,
टू टाइम एंड थ्री टाइम। थ्री टाइम बनाने के बाद वन चेन लेंगे और यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, जस्ट बगल में हम इसको ज्वाइन करेंगे। वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, फिर इसी में ले जाके हमें इसे स्लिप नॉट से ज्वाइन करना है। फिर जस्ट बगल में आके ज्वाइन करना है, यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टाइम, टू टाइम एंड थ्री टाइम। थ्री टाइम बनाने के बाद यहीं पे हम इसे नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो ये मेरी वन टू थ्री। अब हमें थ्री टाइम और बनाना है तो हम यहाँ स्लिप नॉट से इसे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टाइम, टू टाइम एंड थ्री टाइम। थ्री टाइम बनाने के बाद अब यहाँ पे स्लिप नॉट से ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे जस्ट बगल में, और यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है, वन टाइम डबल क्रोशिया, टू टाइम डबल क्रोशिया, थ्री टाइम डबल क्रोशिया। थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे हम पहले नट लगा के ज्वाइन करेंगे। तो मेरी वन टू थ्री, थ्री तो देखिए फिर से एक हम और लेंगे, यहाँ पे हमें नॉट लगाना है और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टाइम, टू टाइम एंड थ्री टाइम। थ्री टाइम बनाने के बाद यहाँ पे ले जाके ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए हम वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पैटर्न लेने हैं। तो हम यहाँ से मिड से फर्स्ट लेंगे और इसको ऐसे, इस तरह से देखिए आएगा शेप, ठीक है। और फिर हमें स्लिप नॉट से यहाँ पे ज्वाइन करना है। और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टाइम, टू टाइम और थ्री टाइम। तो थ्री टाइम करने के बाद यहाँ पे हम इसको ले जाके नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद यहाँ पे आएंगे, तो देखिए इस तरह से हमें ये हम फाइव फाइव करके कंप्लीट करेंगे। थ्री स्किप करना है, थ्री पेटल को हम स्किप कर देंगे और फिर हमें ये ऐसे करके ये ज्वाइन करेंगे। तो ये मेरा इस तरह से फ्लावर आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट किया है। अब तो देखिए लास्ट में मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वन और टू केवल स्किप करेंगे और ये फाइव हम पूरा रोल कर लेंगे। जैसे हम इधर थ्री थ्री स्किप कर रहे थे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम ऐसे ही लूप लेंगे और लूप लेने के बाद अब देखिए वन टू टू के ऐसे ऐड करेंगे इसको और यहाँ से इसको पिक करना है। और पिक करने के बाद हम लूप पिक करके इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक फ्लावर कंप्लीट हो गया। इधर थ्री थे तो ये साइड में आ जाएगा, बैक में आएगा, इसलिए हम इधर इसको फ्लावर कंप्लीट करके और एंड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ ले जाके इसको ज्वाइन कर देंगे
और ज्वाइन करने के बाद अब हम थ्रेड को कट कर लेंगे। तो देखिए हम थ्रेड को कट कर लेंगे और कट करके इसको हमें नॉट लगा के सेव कर लेना है। अब यहाँ पे हमें फ्रिल बनाएंगे, गैदर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल सा लग रहा है। अब इसमें गैदर बनाएंगे क्योंकि मैंने लेंथ थोड़ी अभी कम रखी है, तो लेंथ इतनी और हमें बनानी है, तो उसके लिए हम पहले गैदर बनाएंगे। तो गैदर बनाने के लिए देखिए हम वाइट जो हमने यहाँ थ्रेड छोड़ा था वहीं से हमें इसको पिक करना है। तो यहाँ पे हम वन चेन, टू चेन, थ्री चेन एंड फोर चेन, फोर चेन लेंगे। और फोर चेन लेने के बाद अब हमें वन, टू एंड थ्री, थ्री लेंगे और इस फ्लावर के मिड आना है, ये देखिए यहाँ तक आएगा और यहाँ पे हम इसको पिक करेंगे, वाइट वाले को ही पिक करना है। और यहीं पे हम ट्रिपल लूप लेकर के यहाँ पे डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से ही बना ली। अब फिर से हम यहाँ पे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और ऐसे करके हम फिर से यहाँ फ्लावर के पास आ गए। फ्लावर के पास से ये इधर हम पिक करेंगे, तो लूप लेंगे, टू टू लूप लेकर के हमें ये पिक करना है और यहाँ पे अब हमें डबल क्रोश, ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट करना है। तो ऐसे करके हम ये पूरा राउंड में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ऐसे करके हमने ये बैक में डबल क्रोश, ट्रिपल क्रोशिया करके ये कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट किया है। अब हमें क्या करना है, हम इसमें पहले पर्पल लगाएंगे। वाइट इसलिए लगाया क्योंकि मिड में यहाँ वाइट था, वाइट में ऐड करना था, इसलिए हमने वाइट लगाया। तो पर्पल हम ऐड करेंगे, यहीं से हम पर्पल ले लेंगे। ये हम ऐसे पर्पल हमने ले लिया है थ्रेड और वाइट को हम ऐसे खींच बनाएंगे। वन चेन, टू चेन एंड थ्री चेन, थ्री चेन बनाने के बाद यहाँ पे वन डबल क्रोशिया एंड टू डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया बनाया चेन, फिर यहीं पे टू डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से आया है और ये जो है हमने डबल क्रोशिया बनाई है यहाँ पे यूं निकालेंगे और यहाँ पे हमें बैक पोस्ट बनाना है। तो ये मेरा इस तरह से बनेगा। फिर यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है, वन टाइम डबल क्रोशिया, टू टाइम डबल क्रोशिया, टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया चेन, टू चेन, फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, टू डबल क्रोशिया बनाया, फिर हम बैक पोस्ट ऐसे लेंगे और यहाँ बैक पोस्ट बना लेंगे। हम इधर से ये मेरा बैक पोस्ट है और इधर से ये मेरा फ्रंट पोस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम क्योंकि बैक में इसलिए बैक पोस्ट बना रहे हैं, फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टाइम डबल क्रोशिया, टू टाइम डबल क्रोशिया, टू टाइम डबल क्रोशिया करने के बाद टू चेन, और टू चेन लेने के बाद हम यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टाइम डबल क्रोशिया, टू टाइम डबल क्रोशिया, फिर ऐसे करके बैक लूप लेंगे और यहाँ पे बैक पोस्ट बना लेंगे। तो ऐसे करके हम रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है हमने पर्पल से। अब हम येलो ऐड करेंगे, तो येलो हमें यहाँ पे ऐड करना है। और ऐसे करके खींच देंगे, तो हम खींच देंगे और खींचने के बाद अब चेन लेंगे, वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें आना है, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है और फिर चेन, फिर डबल क्रोशिया। तो ऐसे करने के बाद अब हमें फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाना है, ठीक है,
और फिर देखिए हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है और मिड में टू हमें इंक्रीज करना है। डबल क्रोशिया के ऊपर जो हमने टू डबल क्रोशिया बनाई थी उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है, मिड में आएंगे यहाँ डबल क्रोशिया, फिर चेन, वन चेन, टू चेन, फिर डबल क्रोशिया, तो ऐसे करके कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हमें इसमें डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है, वन टाइम डबल क्रोशिया एंड टू टाइम डबल क्रोशिया, तो इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है, तो ऐसे ये फ्रंट पोस्ट ऐसे बनाएंगे, लूप निकालेंगे, यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और मिड में आएंगे यहाँ पे वन डबल क्रोशिया, फिर टू चेन और फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया वन टाइम एंड टू टाइम, टू टाइम डबल क्रोशिया करने के बाद अब हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, तो इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। मिड में हमें टू इंक्रीज करना है, टू चेन वन डबल क्रोशिया, टू चेन वन डबल क्रोशिया, टू इंक्रीज होगा मिड में जहां हमने ये चेन इसकी छोड़ी थी वहां, और जो डबल क्रोशिया टू टू टाइम बनाया था उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है और फ्रंट के पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना है, तो ऐसे करके राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद फिर से हम यहाँ पे थ्री चेन लेंगे और थ्री चेन लेने के बाद हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है, तो वन टाइम डबल क्रोशिया, टू टाइम डबल क्रोशिया, और तो देखिए हमने ये ऐसे हम बना लिया। बनाने के बाद हमें इसमें एक बार और डबल क्रोशिया बनानी होगी, तो अब की बार हमें फोर डबल क्रोशिया इंक्रीज करनी है, चेन लेंगे, टू चेन लेंगे और टू चेन लेने के बाद यहाँ पे ऐसे करके वन टाइम एंड टू टाइम, तो टू टाइम हमने इधर बढ़ाया है, टू टाइम इधर बढ़ाया है और टू चेन, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टाइम, टू टाइम एंड थ्री टाइम, थ्री टाइम बनाने के बाद अब हमें बैक से ऐसे लूप लेना है और ऐसे करके निकालना है और यहाँ पे हमें बैक पोस्ट हम बना लेंगे, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टाइम, फिर वन टाइम, फिर वन टाइम, और मिड में हम फोर टाइम ऐड करेंगे, वन टू डबल क्रोशिया, देखिए पहले वन डबल क्रोशिया, फिर इसी में टू डबल क्रोशिया, फिर चेन, टू चेन, फिर टू डबल क्रोशिया, तो ऐसे करके हमें कंप्लीट करना है। बैक पोस्ट में बैक पोस्ट बनाना है और इंक्रीज हमें इस लाइन में हम टू टू पार करेंगे, तो ऐसे करके कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखा। तो ये देखिए हम अब इसमें ये ऐड करेंगे और यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे और इसको थ्रेड को खींच देंगे, वन चेन, टू चेन, और टू चेन बनाने के बाद अब हमें देखिए यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनानी है, तो वन हाफ क्रोशिया, टू हाफ क्रोशिया, और हाफ क्रोशिया में देखिए क्या होता है, हम तीनों को एक साथ निकालेंगे ऐसे करके, थ्री का हम वन कर देंगे और फिर ये देखिए हम इसको फ्रंट लूप लेंगे, इसको भी हमें फ्रंट पोस्ट को भी हाफ क्रोशिया से ही हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम हाफ क्रोशिया ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हम अब इसमें ये ऐड करेंगे और यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे और इसको थ्रेड को खींच देंगे, वन चेन, टू चेन, और टू चेन बनाने के बाद अब हमें देखिए यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनानी है, तो वन हाफ क्रोशिया, टू हाफ क्रोशिया, और हाफ क्रोशिया में देखिए क्या होता है, हम तीनों को एक साथ निकालेंगे ऐसे करके, थ्री का हम वन कर देंगे और फिर
ये देखिए हम इसको फ्रंट लूप लेंगे, इसको भी हमें फ्रंट पोस्ट को भी हाफ क्रोशिया से ही हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम हाफ क्रोशिया ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे, फिर हाफ क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ ऐसे करके हाफ क्रोशिया करके हमें ये कंप्लीट करना है। और यहाँ लाएंगे और यहाँ पे हमें हाफ क्रोशिया पहले बनानी है, फिर वन चेन, टू चेन, थ्री चेन। थ्री चेन बनाने के बाद हमें ये ऐसे करके पर्ल बनाना है। तो वन पर्ल, हाफ पर्ल बनाने के बाद अब देखिए इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टाइम टू टाइम। डबल क्रोशिया बनाने के बाद वन चेन, टू चेन, थ्री चेन। थ्री चेन लेने के बाद फिर से हम इसमें लूप डालेंगे और ऐसे करके ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, फिर हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हाफ क्रोशिया बनाया, फिर वन चेन, टू चेन एंड थ्री चेन। और थ्री चेन बनाने के बाद अब इसको हमें ऐसे करके लूप में ऐसे निकाल के पर्ल बना लेना है। तो ये पर्ल बना लिया, पर्ल बनाने के बाद लूप लेंगे, लूप लेके हमें ये हाफ क्रोशिया करके कंप्लीट करना है। तो ये हाफ क्रोशिया हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे करके हमें ये कंप्लीट करना है। और फिर जब फ्रंट पोस्ट आएगा वहाँ पे हाफ फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। यूं लूप लेंगे, लूप लेकर के हमें एक साथ निकालना है। ऐसे लूप लेंगे, लूप लेके हमें एक साथ ऐसे करके निकाल लेना है। तो इस तरह से ये मेरा कंप्लीट होगा। तो ऐसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और हमने ये पूरा रो कंप्लीट कर लिया है। अब ये जैसे हमने यहाँ पे लगाया है तो हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे इसी से। तो लूप लेंगे, तो देखिए अब हमें बॉर्डर बनाना है इसमें। तो हम यहाँ से पिक करेंगे, थ्री चेन लेंगे। और थ्री चेन लेने के बाद अब देखिए हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है। तो वन टाइम डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये फ्रंट पोस्ट है यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। फिर इस तरह से हमें ये बॉर्डर बनाना है। फिर ये डबल क्रोशिया है तो यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो ऐसे करके हमें ये बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है पूरा। डबल क्रोशिया बनाया, फिर हम ये ऐसे उठाएंगे। तो ऐसे करके कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम डोरी बना रहे हैं। डोरी बनाने के लिए देखिए हम ऐसे करके लूप लेके चेन बनाएंगे। और चेन बनाने के बाद यहीं पे हमें इसको ऐसे ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया के बाद हम इसको ऐसे करके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद फिर से हम यहाँ पे रिंग में थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन टाइम डबल क्रोशिया, टू टाइम डबल क्रोशिया एंड थ्री टाइम डबल क्रोशिया। थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसको हमें ऐसे करके ज्वाइन कर देना है। ठीक, फिर देखिए हम थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन टाइम डबल क्रोशिया, टू टाइम डबल क्रोशिया एंड थ्री टाइम डबल क्रोशिया। और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हमें इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मेरा, जैसे हमने ये फ्लावर बनाया था इस तरह से ये आ रहा है। एक और हम बना लेंगे, वन डबल क्रोशिया, टू
एंड थ्री। थ्री बनाने के बाद इसी में ले जाके हमें इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर लिया, अब हम इसमें चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। तो चेन बना करके फिर हमें इसमें डालना है और फिर लास्ट में हम ऐसे ही फ्लावर बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमें ये फ्लावर को, ये मैंने थ्री इधर पेटल छोड़ा था, मैंने ये सुई ली है और अब हमें ये देखिए दो पेटल ऊपर उठाएंगे और इसको यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है। जैसे हमने ये फाइव फ्लावर बनाए थे वैसे यहाँ ज्वाइन करेंगे, तो ये मेरे ऐसे करके देखिए इस तरह के फ्लावर बनेंगे। तो हम पहले थ्रेड को लेंगे, ये ऊनी लिया है मैंने, और मैचिंग का लेना है। जैसे आपका थ्रेड दिखे नहीं तो हमें ये टू के मिड में यहाँ पे डालना है, ये ऐसे डाल दिया। और डालने के बाद अब देखिए टू और इधर ये ऊपर वाले फ्लावर से हमें एक पिक करना है और एक ये वाले, तो यहाँ पे हमें इसको डालेंगे और डालने के बाद ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको हमें दो तीन बार ले जाके नॉट लगाना है, जैसे ये खुले नहीं। तो ऐसे करके कंप्लीट करना है। तो ऐसे ही हमें सब फ्लावर यूं एक ये वाला पिक करना है और एक ये वाला पिक करना है और इसको यूं करके हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है और देखिए कितनी प्यारी बन के तैयार हुई है, हमने ज्वाइन कर दिया है और बहुत सुंदर लग रही है। और आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।